ये बुजुर्ग शख्स पूरे सब्र तहमुल के साथ छोटे छोटे घास को जमा कर रहे हैं। ये बुजुर्ग मुआ कृष्णमूर्ति हैं। उनकी उम्र 70 बरस से ज्यादा है। जब हमने उनकी इस दिलचस्प सरगर्मी को समझने के लिए उनसे राब्ता करने की कोशिश की तो हमें काफी हैरानी हुई। कोई भी ये जानकर उनकी तारीफ करेगा कि ये जमा किए गए घास से एक साड़ी तैयार करेंगे। कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिला के पुरुचूरू डिवीजन वाके वीरन पालम के बाशिंदा हैं। कृष्णमूर्ति को खेती बाड़ी में अपने वालिद की मदद करने के लिए 5वीं जमात में ही अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी थी। तब से कृष्णमूर्ति काश्तकारी के स्कूल में सीखने वाले एक तालिबे इल्म बन गए। उन्होंने मवेशियों को बांधने के लिए रस्सियों को बांटना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता घास की रस्सियों और हंटर बेल्ट बनाने के फन में महारत हासिल कर ली। इसी महारत से उन्होंने 70 साल की उम्र में 6 गज की साड़ी बना ली। मैंने इब्तिदा में घास से 36 इंच लंबे और 9 इंच चौड़े कपड़े तैयार किए, लेकिन ये लोगों ने नहीं देखा। उसके बाद प्रकाशम जिला के कलेक्टर ने मशवरा दिया कि उसे थोड़ा बड़ा बनाओ। लिहाजा मैंने घास से स्कार्प बनाया जो 40 इंच लंबा और 20 इंच चौड़ा था। कृष्णमूर्ति का कहना है कि उनका मकसद दुनिया के सामने भारत की फनकाराना सलाहियत को पेश करना है। घास पर तजुर्बा करते हुए उन्होंने सबसे पहले स्कार्फ तैयार किया। वह स्कार्फ पर ही नहीं रुके, उसके बाद एक साड़ी तैयार की जिसने सभी की तवज्जो इस जानिब मबजूल करा ली। मुख्तलिफ नुमाइशी मेले में भी इसे पेश किया गया जिसमे कई अहम शख्सियतों ने उनके फनकाराना महारत की बहुत तारीफ की है। मैंने घास से 6 गज की साड़ी तैयार की। मैंने बगैर टांके घास से ब्लाउज बनाया। मैंने हैंड बैग समेत बहुत सारी चीजें भी बनाई हैं और इसके लिए बहुत से अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। जब भारत के सदर मुझे अवार्ड दे रहे थे तो मुझे शाल से तहनियत पेश करने का मौका मिला। उस वक्त शाल का वजन तकरीबन 125 ग्राम था। सबसे पहले घास को पानी में डाला जाता है, उसके बाद नर्म तनों को पतले धागे के तौर पर तैयार किया जाता है। इस धागे को उस वक्त खुद से बनाए गए लूम जैसे फ्रेम में बुना जाता है। साड़ी के किनारे के लिए आम धागों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तैयार किया गया कपड़ा कई सालों तक महफूज रहता है। जब इसे धोते हैं तो इसे साए में सुखाना पड़ता है। कृष्णमूर्ति की साड़ी पर सख्त मेहनत के अलावा 1 रुपया का भी खर्च नहीं करना पड़ता है। ये साड़ी न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि अमेरिका में भी काफी मशहूर है। इस फन ने बुजुर्ग कृष्णमूर्ति को बहुत से अवार्ड दिलाए हैं। मैंने सुना है कि भारत में बरतानवी हुकुमरा के दौरान एक शख्स ने ऐसी साड़ी बनाई थी जो मुड़ने पर माचिस के डब्बे में आ जाती थी। अंग्रेजों ने उसके हाथ काट दिया और उसे फिर से लूम का इस्तेमाल करने से रोक दिया ताकि ये मुल्क हमेशा के लिए इस तरह के बासलाह शख्स से महरूम हो जाए। मैंने उसी साड़ी को पूरी दुनिया के सामने वाजे करने के लिए तैयार किया है कि भारत में अब भी अजीम फनकार मौजूद हैं। कृष्णमूर्ति का कहना है कि उनकी कोशिश का मकसद काश्तकारों के लिए एहतराम का एहसास दिलाना है जो तमाम 6 सीजन में सख्त मेहनत करते हैं और तमाम लोगों के खाने का इंतजाम करने के लिए ज़रात करते हैं। मुकामी लोग कृष्णमूर्ति की सलाहियत की तारीफ करते हैं जो इस उम्र में भी पूरे जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 24 घंटे खबर लगातार देखने और पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत है।